हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए GTA 5 एंड्रॉइड मोड के लिए। और ये वाला जो मॉड पैक है ये थोड़ा सा यूनिक होने वाला है फ्रॉम माय प्रीवियस मॉड्स पैक, क्योंकि इस वाले मॉड पैक के अंदर आपको GTA 5 के इतने सारे सोर्सेस मिल जाएंगे कि आप वो देख करके आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। व्हेन आई सी फर्स्ट टाइम इस वाले मॉड के अंदर इतने सारे GTA 5 के सोर्सेस है, इतने सारे GTA 5 के सिमिलर टूल्स है जो कि आपको GTA 5 का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये लिटरली में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। GTA 5 की कुछ कार्ड से लेकर के आपको GTA 5 का फ़ोन भी देखने के लिए मिलेगा। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस गेम के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो कैरेक्टर्स भी आप चेंज कर सकते हो, तो वो ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। GTA 5 का फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ में आप म्यूजिक भी सुन सकते हो। GTA 5 का आपको गन हुड देखने के लिए मिल जाएगा, उसके साथ में आउटफिट भी चेंज कर सकते हो। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें GTA 5 के इस वाले मोड पैक के अंदर आपको मिलने वाली है। प्लस आपको आप देख सकते हो कि आपको जो मैप है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है ऑफ योर GTA सैन एंड्रियास। तो ये जो है पूरा का पूरा ऑसम मोड पैक होने वाला है। और इतना ही नहीं, इस मोड पैक के अंदर अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा और ख़ुद से आप चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, नए नए कार्ड्स को, नए नए टेक्सचर्स को, नए नए चीट्स को, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये लिटरली में मॉड पैक वर्थिट है डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि लिटरली बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल द मिशंस आपके सिमिलर रहने वाले हैं, क्योंकि मिशंस में चेंजेस करना वो अलग टाइप की मोडिंग हो जाती है। बट जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से मैं मोड्स की वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो सोचा कि ये वाला मोड पैक आपको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये मोड पैक थोड़ा सा यूनिक लगा। और क्योंकि GTA 5 के बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ऐसा ही एज आई मेंशन अर्लियर। सो प्लीज़ डाउनलोड दिस मोड पैक। किसका वेट कर रहे हो? क्योंकि बहुत चीज़ें आप इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और मैं पहले बता दूँ, सिस्टम रिक्वायरमेंट आपकी जो रहने वाली है फ़ोन की, वो यहाँ पे मैंने 2 GB वाले फ़ोन के अंदर भी ट्राई किया है गेम को, यहाँ पे मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है लेकिन लो सेटिंग्स पे। और मैंने ऑन दी अदर हैंड 4 GB डिवाइस के अंदर भी चला के देखा है, तो ये जो गेम प्ले आप देख रहे हो ये 4 GB रैम के डिवाइस में रिकॉर्ड हुआ है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कैसी परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसेसर उसका इतना अच्छा नहीं है और मैंने इसको मीडियम से कुछ हाई की सेटिंग में टेस्ट किया था, तो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। और अगर आपके फ़ोन में अच्छे अमाउंट ऑफ रैम है, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोसेसर है, आप हाई सेटिंग्स के अंदर गेम को खेलिए और उसके अंदर एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप हाई सेटिंग्स पे गेम को खेलते हो। और जिन लोगों को ये लगता है कि गेम डाउनलोड करने के बाद में क्रैश होगा, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने क्रैश के ऊपर वीडियो बनाई है, आपके क्रैशेस सारे फिक्स हो जाएंगे। एंड आपको इसके अंदर आप मेन्यू भी देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मेन्यू आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इफ़ आई टॉक अबाउट ग्राफिक्स आपको आप देख सकते हो कि जो टेक्सचर्स है वो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे इस वाले मोड पैक के, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिली है और वो भी मीडियम सेटिंग्स के अंदर। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस ऑथर, और ऑथर का जिसने इस मोड पैक को डिज़ाइन किया है उसका जो क्रेडिट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स गो टू दी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन है सिंपल हैज मैंने आपके लिए जो है यहाँ पे रखा है। GTA 5 की APK आपको मिलेगी, तो उसको आपको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है सबसे पहले, और आप इसको इंस्टॉल कर लेना। एक्सट्रैक्ट हेयर यहाँ पे आप जैसे APK पे क्लिक करोगे ओपन करके इंस्टॉल कर लो। उसके बाद में आप अपने मेन फाइल को पार्ट फर्स्ट को यहाँ पे पासवर्ड डाल करके एक्सट्रैक्ट कर दो, पासवर्ड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में फोल्डर मिलेगा, फोल्डर में जाएंगे, मेन फोल्डर को यहाँ से कट करेंगे, डिवाइस स्टोरेज के अंदर जाएंगे, एंड्रॉयड का फोल्डर सर्च करेंगे, डेटा का फोल्डर सर्च करेंगे, और उसके बाद में फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड देन उस फोल्डर को फाइंड करेंगे जो आपने अभी यहाँ पे पेस्ट किया है। सो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फोल्डर को। फोल्डर मिलने के बाद जाएंगे फाइल्स के अंदर जाएंगे, फाइल्स में जाने के बाद TEXTB एंड GTA INT, ठीक है, और GTA 3, इन सबको जो है आपको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद में यू कैन एक्चुअली ओपन योर गेम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।